नमस्कार बंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज मेरे हाथ में डिफेंस मिनिस्ट्री का 20 जुलाई 2023 यानी कि कल का ये लेटर है दोस्तों। इस लेटर में डिफेंस मिनिस्ट्री ने पूर्व सैनिकों के कुल 13 मुद्दों के ऊपर अपना सफाई रखा है, अपना जवाब दिया है। अब दोस्तों ये जो मुद्दे हैं, ये हमारा फिटमेंट फैक्टर से लेकर के ओआरओपी से लेकर के इक्वल एमएसपी से लेकर के 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी की मांग तक को इन्होंने यहां इंक्लूड किया है इस लेटर में। अब दोस्तों इस लेटर में जो क्लारिफिकेशन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया है वो मैं आपको एक तरफ से समझाता हूं कि क्यों ये लेटर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में 23 जुलाई को जंतर मंतर से एक बड़ी रैली का आह्वान किया गया है और साथ ही साथ 6 अगस्त को भी रामलीला मैदान में भी एक बड़ी रैली होने जा रही है पूर्व सैनिकों की। तो ऐसे में इन रैलियों से पहले ही सरकार की तरफ से 20 जुलाई को ही ये लेटर जारी कर देना कई सारे बातों की ओर इशारा करता है। अब दोस्तों इसमें कुल 13 पॉइंट्स इस लेटर में जो है सम्मिलित किए गए हैं, उन पॉइंट्स को मैं एक तरफ से आपको समझाऊंगा जो आप साइड में देख भी पाएंगे और मैं आपको उस चीज को ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले दोस्तों ये लेटर जैसे आप देख पा रहे हैं ये डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर द्वारा जारी किया गया लेटर है, जिसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं, दिस डिपार्टमेंट हैज बीन रिसीविंग सेवरल रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम एक्स सर्विसमैन एंड देयर एसोसिएशन रिलेटेड टू पेंशनरी एंड अदर मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। इन दिस रिगार्ड आफ्टर गोइंग थ्रू द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड इन द सेक्शन सम ऑफ द इश्यूज हैव बीन कंप्लाइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस सेक्शन द पॉइंट वाज कमेंट्स ऑन दोज इश्यूज आर एज अंडर। यानी कि समय समय पर पूर्व सैनिकों ने जो अपनी मसले जो अपनी समस्याएं डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने रखी है उनको हम एनालाइज करने के बाद जो हमारे पास अवेलेबल जवाब है वो आपको दिया जा रहा है, ऐसा इस लेटर में कहा गया। अब पहला मसला जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों फिटमेंट फैक्टर से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो पूर्व सैनिक संस्थाएं हैं उन्होंने ये दावा किया था कि ऑफिसरों को आपने 2.81 दे दिया और जवानों को 2.57 दे दिया है, जिस पर डिफेंस मिनिस्ट्री का जवाब आया है दोस्तों, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि द 7th सीपीसी हैज अप्लाइड एन इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन व्हाइल मेकिंग एनहांसमेंट ऑफ लेवल फ्रॉम पे बैंड 1 to 2, 2 to 3 and 3 ऑनवर्ड्स। यानी कि पे बैंड के हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिया गया है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने माना है। उन्होंने बोला है कि पे बैंड 1 को 2.57 दिया गया है, यानी कि हमें जो मिला वो 2.57 पे बैंड 1 के कैटेगरी में मिला है। आगे पे बैंड 2 को दिया गया 2.62, पे बैंड 3 को दिया गया 2.67, उसके ऊपर भी दिया गया 2.72, 2.78 और 2.81, और यहां लिखा हुआ है बकायदा एट द एपेक्स लेवल द इंडेक्स अप्लाइड इज 2.81, यानी कि सबसे ऊपर लेवल में जो मल्टीप्लीकेशन दिया गया है वो 2.81 दिया गया है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने माना है। द सर्विस चीफ एंड कैबिनेट सेक्रेटरी द इंडेक्स हैज बीन फिक्स्ड एट 2.78, यानी कि सर्विस चीफ जो है उनको और कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.78 क्या फैक्टर दिया गया, यानी कि ये सिर्फ डिफेंस के ऑफिसर्स या फौजी ऑफिसरों को नहीं, ये सिविल के ऑफिसर को भी, सिविल के जो स्टाफ हैं उनको भी जो मल्टीप्लीकेशन 7th पे कमीशन में दिया है, इस तरीके से उनके पे बैंड के लेवल के हिसाब से दिया गया है, ये बात डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस लाइन में माना है दोस्तों। आगे दोस्तों अगला जो सवाल आप देख पा रहे हैं, बेनिफिट ऑफ ओआरओपी नॉट अप्लाइड फॉर पीएमआर रिटायरीज हु गॉट पीएमआर वे 1 जुलाई 2014, यानी कि जो पूर्व सैनिकों की मांग है कि जुलाई 2014 के बाद के पीएमआर रिटायरीज के लिए भी ओआरओपी का जो है फायदा दिया जाना चाहिए, उस पर जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बोला है कि जो 7 नवंबर 2015 का लेटर था, जिस लेटर में क्लियरली ये बात बोला गया था कि जुलाई 2014 के बाद वालों को नहीं मिलेगा, लेकिन हालांकि उस लेटर में हैंस फोर्थ लिखा गया है, उस लेटर में हैंस फोर्थ लिखा गया है, यानी कि 7 नवंबर 2015 के बाद वालों के लिए लिखा गया था वो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं बनता, हमारा दावा है हमारी मांग है पूरे प्रीमेच्योर वालों को उसके दायरे में लाना चाहिए, लेकिन सरकार बोलती है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया 16 मार्च 2022 को उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी जो कानून है उसी नियम को जो है आगे बरकरार रखा है, इसलिए पीएमआर वालों को ओआरओपी के दायरे में नहीं लाया जाएगा जुलाई 2014 के बाद के पीएमआर को, ये बात इसमें कही गई है। अगला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं इक्वल एमएसपी, अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, इक्वल एमएसपी में जो हमारा जो मांग है पूर्व सैनिकों का कि इक्वल होना चाहिए एमएसपी, इस पर सरकार बोलती है कि जो 6th पे कमीशन में जब लागू किया गया था उस समय में पे कमीशन में 1000 रुपए रिकमेंड था, लेकिन दिया गया है 2000 रुपए, तो कहीं ना कहीं सरकार ने जितना हो सकता था कर दिया और 7th पे कमीशन में उसी को 2.57 के मल्टीप्लीकेशन के फैक्टर के हिसाब से जो है 5200 और 15500 रुपए दिया गया है, ऐसा यहां पर जवाब दिया गया है।
अब दोस्तों जो चौथा जो आप देख पा रहे हैं, ऑफिसर्स हैव बीन मोर बेनिफिट देन जवान्स एंड ऑनररी रैंक्स इन फिक्सेशन ऑफ ओआरओपी, यानी कि जो जवानों की, जो पूर्व सैनिकों के कई सारे संस्थाओं की यह मांग थी कि ओआरओपी में ऑफिसरों को ज्यादा दिया गया फायदा, लेकिन जवानों को कम दिया गया, जिसका जवाब जो है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये दिया गया है कि जो रिवीजन हुआ है वो कानून के तहत ही हुआ है, जो 7 नवंबर 2015 का लेटर है उसी के तहत हुआ है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकाल के दिया गया है और यही फॉर्मूला अफसर के लिए भी लागू किया गया है, यही फॉर्मूला जवानों के लिए भी लागू किया गया है। ये बात इस पैराग्राफ में सरकार ने जवाब दिया है और आगे सरकार ने यह भी बोला है कि इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सही माना है, यानी कि 16 मार्च 2022 का जो जजमेंट है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है, यह भी बात यहां लिखी गई है। आगे दोस्तों पांचवा जो सवाल आप देख पा रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ विडो पेंशन इक्वल टू सर्विस पेंशन, यानी कि सर्विस पेंशन के बराबर जो है फैमिली पेंशन को, यानी कि ऑर्डिनरी रेट ऑफ फैमिली पेंशन जो नॉर्मल रेट है उसको भी 100% के हिसाब से दिया जाने के लिए जो मांग उठाई गई थी, वहां पर सरकार ने कहीं कहीं ये क्लियरिफिकेशन किया है कि जो रिकनेबल इमोलूमेंट्स होता है उसका 50% सर्विस पेंशन होता है और उसका 30% फैमिली पेंशन होता है, ऑर्डिनरी जो नॉर्मल रेट होता है। तो ये रूल बहुत पहले से चला आया है और इसी रूल के हिसाब से सेवेंथ पे कमीशन में भी, पे कमीशन ने भी उसको कोई बदलाव नहीं किया है, हालांकि वो प्रपोजल सेवेंथ पे कमीशन में रखा गया था लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया पे कमीशन द्वारा भी, इसलिए यही रूल है, यही रूल रहेगा, ऐसा इसमें जवाब दिया गया है। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट, छठा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, डिमांड फॉर ग्रांटिंग ऑफ इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन टू ऑफिसर एंड जवान, यानी कि जवानों का और ऑफिसर्स का बीच में जो डिसेबिलिटी पेंशन में डिफरेंसेस है उसको कम करने के लिए, उसको सही करने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन जो मांग की गई थी उसमें सरकार का जवाब यह है कि ऑफिसर्स को भी उसी रेट से दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बेसिक पे के ऊपर वो डिपेंडेंट है, इसलिए चूंकि ऑफिसरों का बेसिक पे ज्यादा होता है उनका रिकनेबल इमोलूमेंट्स भी ज्यादा बन जाता है जिस वजह से उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट ज्यादा मिलता है, ऐसा जस्टिफिकेशन यहां दिया गया और बोला गया है दोस्तों कि जो डिसेबिलिटी एलिमेंट, अगर 100% आपका डिसेबिलिटी है तो लास्ट रिकनेबल इमोलूमेंट्स का 30% मिलता है, तो यानी कि अगर आप सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट 100% लेते हैं तो आपको 80% जो है टोटल पेंशन मिलता है और यही चीज जो है ऑफिसर को भी मिलता है, वहां कोई भी भेदभाव नहीं है, ऐसा जवाब इस पैराग्राफ में दिया गया है। अगला जो दोस्तों देख पा रहे, रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ सर्विस पेंशन टू द पर्सनल हु रेंडर्ड सर्विस लेस देन 15 इयर्स एंड पार्टिसिपेट इन 65 एंड 71 वॉर, यानी कि 1971 और 1965 की लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा लिया और 15 साल से पहले ही रिटायर हो गए उनको पूरा सर्विस पेंशन देने के लिए जो है जो मांग उठाई गई थी उसको भी सरकार ने कहीं ना कहीं खारिज कर दिया और बोला कि पेंशन रूल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, पेंशन रूल में ऑफिसर्स के लिए 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए और जवानों के लिए 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए पेंशन को अर्न करने के लिए, ऐसा जवाब इसमें दिया गया। अगला जो सवाल था दोस्तों कि डिमांड फॉर एनहांसमेंट ऑफ रिजर्विस्ट पेंशन एंड ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ ओआरओपी टू देम, यानी कि रिजर्विस्ट पेंशनर का पेंशन की बढ़ोतरी कराने के लिए और उनको ओआरओपी के दायरे में लाने के लिए जो सवाल, जो मांग की गई थी उसमें सरकार का जवाब है कि रिजर्विस्ट पेंशनर को रूल के हिसाब से ही दिया जाता है, उनका जो सेवेंथ पे कमीशन में जो मिनिमम पेंशन धार्य किया गया 9,000 रुपए किया गया है, लेकिन एक आशा की किरण यहाँ पर रिजर्विस्ट पेंशनर के लिए सरकार ने यह दी है कि जो वन मैन जुडिशियल कमिटी की जो रिपोर्ट है उसमें जो रिजर्विस्ट पेंशनर के लिए जो रिकमेंडेशन किया गया उसको सरकार छानबीन कर रही है कि क्या उसको लागू किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं रिजर्विस्ट पेंशनर के लिए एक छोटी सी अच्छी खबर है। आगे दोस्तों नवा सवाल जो आप देख पा रहे हैं कि रैंक वेटेज के हिसाब से पेंशन को निर्धारण करने के बारे में, यहां पर सरकार ने दो टुक कह दिया है कि सिक्स पे कमीशन से पहले ऐसा होता था लेकिन सिक्स पे कमीशन के बाद जो है पेंशन धार्य होता है बेसिक रिकनेबल जो हमारा इमोलूमेंट होता है, जो आप पेमेंट ले रहे होते हैं उनके साथ जो बेसिक पेंशन एमएसपी और क्लास पे मिलकर के जो आपका बनता है रिकनेबल इमोलूमेंट उसका 50% आपको पेंशन मिलता है और यही रूल है, ऐसा जवाब इसमें दिया गया। अगला जो सवाल दोस्तों, डिमांड फॉर 75% पेंशन ऑफ लास्ट पेड ऑन, यानी कि हमने जो लास्ट पेमेंट लिया उसका 75% हमें चाहिए, ऐसा जो डिमांड था उसको भी सरकार ने खारिज कर दिया, बोला कि आपको 50% मिलता है और रूल के हिसाब से, पेंशन रूल के हिसाब से यही सही है, ऐसा इसमें कहा गया। और आगे सबसे बड़ा सवाल जो मैं भी अपने वीडियोज में उठाता रहता हूं और वो सवाल है कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएसईपी देना चाहिए, लेकिन इसमें भी सरकार का जवाब ना है, सरकार ने यह कहा है कि चूंकि सिक्स पे कमीशन में इसको लागू किया गया था एमएसईपी को, इसलिए उससे पुराने रिटायरीज को यह दिया जाना संभव नहीं है, ऐसा कहा है सरकार ने। लेकिन उसके आगे जो सवाल अगला है दोस्तों, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ
ओएमजेसी यानी कि वन मैन जुडिशियल कमिटी के रिकमेंडेशन के इंप्लीमेंटेशन उनको लागू करने के ऊपर जो सरकार ने जवाब किया है दिया है, रिपोर्ट सबमिटेड बाय ओएमजेसी ऑन ओआरओपी इज अंडर एग्जामिनेशन इन दिस मिनिस्ट्री, यानी कि ओएमजेसी ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं उनको लागू करने के ऊपर सरकार छानबीन कर रही है। और आपको बता दूं दोस्तों कि एमएसईपी का मुद्दा भी ओएमजेसी के रिपोर्ट में है, तो कहीं ना कहीं एमएसईपी प्री 2006 पेंशनर्स के लिए दिया जाना चाहिए। यह मुद्दा अभी तक बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, हालांकि सरकार ने इसे ऊपर वाले पैरा में मना किया है, लेकिन ओएमजेसी का रिपोर्ट अगर लागू किया जाता है तो वहां पर एमएसईपी का मुद्दा है। अगला जो अंतिम सवाल जो दोस्तों ये है, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर से रिलेटेड है कि उनको एक्स ग्रेसिया ग्रांट दिया जाना चाहिए, जिसको सरकार ने मना कर दिया। आगे दोस्तों आप ये देखिए, बीएल मीना साहब ने साइन किया है, वो जो अंडर सेक्रेटरी है, कई सारे ओआरओपी से जुड़े हुए लेटर भी उन्होंने साइन किए थे जैसे आप देख पा रहे हैं, और इसको एजी ब्रांच डीपीए ने भी कई सारे जगह पर भेजा गया, और 20 जुलाई 2023 का ये लेटर है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों सरकार ने कहीं ना कहीं जवाब तो दिए हैं, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं है, जवाब पॉजिटिव नहीं है। तो अब जब पूर्व सैनिकों के संग्राम चल रहे हैं, पूर्व सैनिकों के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, ऐसे में सरकार का सामने आकर के इस तरह से जवाब देना एक बहुत बड़ी बात है हालांकि, लेकिन जवाब तो पॉजिटिव नहीं है। अब हम आने वाले दिनों में आगे देखते हैं कि किस तरीके से पूर्व सैनिकों के साथ सरकार बातचीत के टेबल में अगर आती है तो क्या क्या मसले हल हो पाते हैं और क्या क्या मसले हमारे पेंडिंग रहते हैं। तो दोस्तों कल जारी किए गए इसी लेटर का क्लारिफिकेशन और इसमें जो बातें लिखी गई है उसको बताने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।